फोकस इन मुद्दों पर, उनमें से एक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक सिंह साहब, जो कि एमडी और सीईओ हैं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के, ये इस पूरे प्रस्ताव में या फिर कहें जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभिषेक सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। इस G20 की बैठक में जिन जो की फोकस एरिया है उसमें से एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको क्या लगता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत एक लीडरशिप भूमिका में रहेगा और दुनिया को बताए कैसे इसको डेवलप किया जाए, इसके लिए कितना सक्षम है? जी, पिछले कई वर्षों से, पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन किया है, चाहे वो आधार हो या यूपीआई हो या डिजी लॉकर हो या ई संजीवनी हो, दीक्षा हो, या पूरा विश्व देख रहा है, और कैसे पॉपुलेशन स्केल पर कोविन जैसा एप्लीकेशन बनाया गया जिससे 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके दे दिए, तो इसके बारे में बहुत जागरूक उत्सुकता थी सारे G20 देशों की कि कैसे हम इसको अपने देशों में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसका जो G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप थी, इसमें काफी डिस्कशन हुआ, ये एक अहम मुद्दा निकल के सामने आया। एक बात हुई कि ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाई जाए जिसमें इस तरह के सॉल्यूशन जिस किसी देश ने भी बनाए हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया जाए। तो चूंकि भारत इसका अग्रणी देश है, भारत ने जिस स्केल पे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है किसी और देश ने नहीं किया है, तो भारत सबसे आगे आ जाता है इसमें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो अचीवमेंट है इसको हम शेयर करने को तैयार हैं, ये सारे ओपन स्टैंडर्ड्स बेस्ड हैं, इंटरऑपरेबल हैं, और अगर कोई देश इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो हम उसको देने को तैयार हैं। अगर मैं स्पेसिफिक बात करें तो एक तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हुआ, डिजिटल रिपोजिटरी हुआ, और कौन कौन से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट है जिसको हम पुश करें G20 की बैठक? जैसे फॉर आधार, जो हमारा मूलभूत प्रोजेक्ट है जिसकी संरचना हुई है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आज 138 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर दिए गए हैं, उसके आधार पे जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खुले, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, पीएम मुद्रा स्कीम के थ्रू लोन दिए गए, इंश्योरेंस बीमा दी गई लोगों को, तो यह एक प्रोजेक्ट है जिसको कई देश इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आज 8 से ज्यादा देश हमसे प्रभावित होकर इसी से संबंधित सिमिलर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यूपीआई के बारे में बहुत ज्यादा रुचि है, ब्राजील ने पिक्स इम्प्लीमेंट किया है, वो यूपीआई के ऊपर ही बेस्ड है, सिंगापुर ने अपना पे नाउ सिस्टम हमारे यूपीआई के साथ लिंकअप किया है, फ्रांस और भी देश देख रहे हैं कैसे वो यूपीआई को अपने यहां लागू कर सकते हैं। डिजी लॉकर जो हमारा डॉक्यूमेंट वॉलेट है जिसको 19 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा रुचि है लोगों की। दीक्षा जो हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसमें लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज जो है, अफ्रीका के देश हैं, एशिया के देश हैं, उनको बहुत ज्यादा रुचि। ई संजीवनी हमारा जो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसको बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट करना चाह रही है, तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन यूनियन, ये उन देशों में जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो उसको वहां पे उसको उसका लाभ उठा करके वहां इंप्लीमेंट कर पाए। इसमें एक आखिरी सवाल कि G20 की बैठक जो पहले हुई, G20 शेरपा की बैठक हुई, फाइनेंस ट्रैक की बैठक हुई, तो उससे क्या आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या एक आम सहमति बनती हुई दिखेगी, कम्युनिके का एक बड़ा पार्ट होगा ये? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के आउटकम डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हर लेवल पे इसके ऊपर सहमति होगी, सारे 20 देश डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप पे एग्रीड हैं, और वह उम्मीद अपने आप बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, कम्युनिक में इसे शामिल किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको बता दूं कि पूरे दुनिया भर में 1.4 बिलियन एडल्ट्स हैं जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं, और इसमें से 50% जो है वो सिर्फ इमर्जिंग कंट्रीज को लेकर है, विकासशील देशों से, उनको कैसे इस पूरे मुहिम में शामिल किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर चर्चा हो रही है।